इस लेक्चर में MySQL टेम्पलेट टेबल को हम स्टडी करने जा रहे हैं। MySQL जो है, MySQL आपको एक स्पेशल टेबल प्रोवाइड करता है जिसे हम टेम्पलेट टेबल करते हैं, जिसके अंदर आप टेम्पररी तौर पर डाटा जो है वो रख सकते हैं ड्यूरिंग योर सेशन, जब आप अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जब तक आप कनेक्ट रहते हैं सर्वर के साथ, ड्यूरिंग दैट सेशन आप उस टेम्पररी टेबल को यूज़ कर सकते हैं, उसमें डाटा जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा। जैसे ही आपका सेशन क्लोज होगा टेम्पररी टेबल भी जो है वो जो है डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और या आप एक्सप्लिसिटली खुद भी उसको डिलीट कर सकते हैं। सो MySQL प्रोवाइड स्पेशल टेबल कॉल टेम्पररी टेबल दैट अलाउ अस टू कीप टेम्पररी डाटा। दिस टेबल कैन बी री यूज फॉर सेवरल टाइम इन वन यूज वन सेशन। तो इस टेबल को आप कई दफ़ा यूज़ कर सकते हैं अपने एक वन सेशन में, आप जब सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं अनटिल के अनलेस जब तक आप डिसकनेक्ट ना हो जाएं सर्वर से, वो आपका एक सेशन कंसीडर होगा और उस सेशन के अंदर आप उस टेबल को जितनी दफ़ा चाहें यूज़ कर सकते हैं। टेम्पररी टेबल इज़ अवेलेबल इन MySQL वर्जन 3.23 एंड अबव। ये फीचर जो है टेम्पररी टेबल का 3.23 वर्जन और इससे अबव वर्जन में अवेलेबल है, इससे बिलो वर्जन के अंदर आप इस फीचर को यूज़ नहीं कर सकते। टेम्पररी टेबल इज़ विजिबल एंड एक्सेसिबल ओनली फॉर द करंट सेशन, सिर्फ उसी सेशन के अंदर आपको वो एक्सेसिबल और विजिबल होगा, आफ्टर दैट सेशन दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यूज़। टेम्पररी टेबल विल ऑटोमेटिकली डिलीट एज करंट सेशन विल क्लोज और यूज़र कनेक्शन विल टर्मिनेट। जैसे ही यूज़र का सेशन क्लोज होगा या आपका कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट होगा, वो टेबल भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप इसको बट वी कैन ऑल्सो यूज़ ड्रॉप टेबल कमांड टू डिलीट द टेबल एक्सप्लिसिटली व्हेन यूज़र नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड दैट टेबल। और यूज़र अगर उस टेबल को खुद डिलीट करना चाहे एक्सप्लिसिटली, तो ड्रॉप टेबल की कमांड के जरिए उसको डिलीट कर सकता है अगर उसको वो टेबल अब मज़ीद फर्दर रिक्वायर्ड नहीं है। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है, इट इज़ वेरी यूजफुल एंड फ्लैक्सीबल फीचर दैट अलाउ टू अचीव कम्प्लेक्स टास्क क्विकली। कम्प्लेक्स जो टास्क हैं जॉब्स जो हैं वो आप बड़े ईजीली इस टेम्पररी टेबल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। कब, मोस्टली व्हेन क्यूरी अ डाटा दैट रिक्वायर्स सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट विद जॉइन क्लास। मोस्टली जब आप सेलेक्ट स्टेटमेंट को जॉइन के साथ यूज़ करते हैं तो आपको जो इमीडिएट रिजल्ट रिटर्न हो रहा होता है उसको आप टेम्पररी टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इन दिस केस यू कैन यूज़ टेम्पररी टेबल टू स्टोर इमीडिएट रिजल्ट एंड यूज़ एन अदर क्यूरी टू प्रोसेस इट। आपका जो रिज़ल्ट रिटर्न हुआ एक क्यूरी से, उसको इमीडिएटली आपने टेम्पररी तौर पर एक टेबल के अंदर स्टोर किया, और जब फर्दर दूसरी क्यूरी आपने एग्जीक्यूट करनी है और उसमें वो जो रिज़ल्ट आपको रिटर्न हुआ है वो आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप टेम्पररी टेबल में से उस रिज़ल्ट को लेकर दूसरी क्यूरी के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी फ्लैक्सीबल। मोर ओवर इट इज़ विजिबल एंड एक्सेसिबल टू द क्लाइंट हु क्रिएट इट। सिर्फ जिसने यूज़र ने टेम्पररी टेबल को क्रिएट किया होगा वही उसको यूज़ कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इट्स मीन टू डिफरेंट क्लाइंट कैन यूज़ अ टेम्पररी टेबल विद सेम नेम विदाउट कन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। इसका मतलब है कि दो यूज़र जो हैं वो दो क्लाइंट्स जो हैं वो सेम नेम के टेबल टेम्पररी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उनके दरमियान में कन्फ्लिक्शन नहीं होगी। विकास टेबल कैन ओनली बी सीन बाई दैट क्लाइंट हु क्रिएट इट्स, क्योंकि वो सिर्फ उसी को एक्सेसिबल और विजिबल होंगे जो उस टेबल का ओनर होगा जिसने उसको क्रिएट किया होगा। देयरफॉर अ यूज़र कैन नॉट क्रिएट टू टेम्पररी टेबल विद सेम नेम इन द सेम सेशन। तो इसका मतलब है कि एक यूज़र जो है वो दो टेम्पररी टेबल सेम नेम के साथ क्रिएट नहीं कर सकता एक सेशन के अंदर। टेम्पररी टेबल कैन बी क्रिएट एज यूज एज क्रिएटेड एज यूज़र क्रिएट अ नॉर्मल टेबल इन द डाटा बेस। जैसे आप नॉर्मल टेबल क्रिएट टेबल की कमांड यूज़ करके करते हैं, सो टेम्पररी टेबल भी वैसे ही क्रिएट किया जा सकता है जैसे नॉर्मल टेबल। इफ़ यूज़र हैज़ क्रिएटेड टेम्पररी टेबल एज सेम नेम एज ए परमानेंट टेबल नेम इन दिस सिचुएशन व्हेन यूज़र विल एक्सेस द टेबल इट विल एक्सेस टेम्पररी टेबल इट्स एनी क्यूरी परफॉर्म बाई यूज़र ऑन अ टेम्पररी टेबल। सो इसका मतलब है कि अगर एक यूज़र ने टेम्पररी टेबल क्रिएट किया और उसका नाम सेम वही नेम है रखा है जो कि कोई ऑलरेडी परमानेंट टेबल जो आपकी डाटाबेस के अंदर मौजूद है उसका नाम भी सेम है, सो इस तरह की सिचुएशन में जब यूज़र कोई भी जो
ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो भी क्यूरी परफॉर्म करेगा, तो वो टेम्पररी टेबल को एक्सेस करेगा। इट्स मीन कि वो टेम्पररी टेबल पे जो भी क्यूरी परफॉर्म होगी वो टेम्पररी टेबल के ऊपर परफॉर्म हो रही होगी, वो परमानेंट टेबल के ऊपर नहीं परफॉर्म हो रही होगी। तो जब यूज़र When user delete temporary table, then it will access the permanent table. और जब वो temporary table delete हो जाएगा तो तब जो query वो perform करेगा वो permanent table के ऊपर perform होगी, या it's mean कि वो permanent table को access कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी आपने temporary table create किया और उसका name same as name आपने वही नाम रखा है जो कि already permanent कोई table database के अंदर मौजूद है, तो उस situation के अंदर यूज़र जो है सिर्फ टेम्पररी टेबल को एक्सेस कर पाएगा, वो परमानेंट टेबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा अनटिल के अनलेस जब तक टेम्पररी टेबल जो है वो डिलीट ना हो जाए। इसका सिंटैक्स सेम वही है जैसे हम नॉर्मल टेबल क्रिएट करते हैं, बस टेम्पररी वर्ड कीवर्ड जो है वो ऐड हुआ है, क्रिएट टेम्पररी टेबल, टेबल का नाम, और फिर आगे आपने उसी तरह ही टेबल के जो है टाइप्स और फील्ड्स के नाम, उनकी डाटा टाइप्स वगैरह स्पेसिफाई कर देनी है, और वो टेबल जो है वो आपका टेम्पररी टेबल क्रिएट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि टेबल टेम्पररी टेबल जो है वो किसी ऑलरेडी किसी टेबल का स्ट्रक्चर मौजूद है उस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है वो टेबल क्रिएट हो जाए, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ टेम्पररी टेबल वो स्ट्रक्चर इज सेम एज एग्जिस्टिंग टेबल इन द डेटाबेस, तो फिर आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, क्रिएट टेम्पररी टेबल, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कमांड को यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और उस टेबल का नाम जिसका स्ट्रक्चर आप जो है क्रिएट टेम्पररी टेबल के ऊपर क्रिएट टेम्पररी टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसका स्ट्रक्चर भी सेम हो, जो कि ऑलरेडी आपके डेटाबेस के अंदर एक टेबल मौजूद है उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक हो, तो फिर आप ये सिंटेक्स को यूज़ करते हुए टेम्पररी टेबल जो क्रिएट करेंगे उसका स्ट्रक्चर सेम एज इट होगा, जो कि ऑलरेडी आपके डेटाबेस के अंदर पहले से एक टेबल मौजूद है उसका स्ट्रक्चर होगा। अब हम एक प्रैक्टिकली क्रिएट टेम्पररी टेबल को क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि टेम्पररी टेबल कैसे क्रिएट होता है और उसको एक्सेस किस तरह किया जाता है। जी, ये हमारे पास जो है टेबल्स की लिस्ट अवेलेबल है। अगर इसमें देखें तो हमारे पास स्टूडेंट नाम का जो टेबल है वो लिस्ट में शो हो रहा है, और अगर हम कमांड अप्लाई करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमारे पास ये दो रिकॉर्ड्स जो हैं इस स्टूडेंट के टेबल के अंदर अवेलेबल हैं। सो दैट इज़ बेसिकली हमारा परमानेंट टेबल है। अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं टेम्पररी टेबल, जो कि अभी हमने जो पढ़ा था लेक्चर्स अबाउट टेम्पररी टेबल, उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास ये क्रिएट टेम्पररी टेबल कमांड है, और हम इसके जो है फील्ड क्रिएट करते हैं ST underscore name student character type डिफाइन किया जी। नेक्स्ट हम टोटल मार्क्स और इसको भी हम इंटीजर रख लेते हैं, और नेक्स्ट जो है हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स और इसको भी हम इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं। ये हम एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये एक हमने टेम्पररी क्रिएट कर लिया एक टेम्पररी टेबल। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट जी। हमारे पास पहला जो फील्ड था नेम था, फिर हमने टोटल मार्क और उसके बाद टोटल सब्जेक्ट, ये हमने फील्ड्स डिफाइन किए थे। इनके अंदर अब वैल्यूज़ हम इनपुट करने लगे हैं, इंसर्ट करने लगे हैं। फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट की, उसके सब्जेक्ट्स के मास हमने डिफाइन किए और टोटल सब्जेक्ट्स जो थे वो दो सपोज, और इसी तरह एक और वैल्यूज जो है वो हम इंसर्ट करते हैं जी, इसके मार्क्स और इसके सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने इंसर्ट किए। सो ये हम जो है टेम्पररी टेबल क्रिएट करके उसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो हमने इंसर्ट कर दी। अब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं और व्यू करते हैं कि हमारे पास जो टेबल हमने क्रिएट किया था वो उसने हमें जो रिकॉर्ड्स हमने इंटर किए थे वो हमें उसने शो कर दिए। दैट इज़ स्टूडेंट टेबल ऑफ टेम्पररी टेबल, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। अब यहाँ पर अगर ऑब्ज़र्व करें तो ये देखें कि हमने पहले जो टेबल सेलेक्ट
टेबल कमांड अप्लाई की थी स्टूडेंट के टेबल पे, और वो स्टूडेंट का टेबल जो था वो हमारा परमानेंट टेबल था, और परमानेंट टेबल जब हमने सेलेक्ट की कमांड अप्लाई की तो उसने दो रिकॉर्ड इस स्टूडेंट टेबल में से रिट्रीव किए, दैट इज़ परमानेंट टेबल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर आप परमानेंट टेबल और टेम्पररी टेबल दो एक जैसे नाम रख के टेम्पररी टेबल क्रिएट करते हैं, तो जो भी क्यूरी आप अप्लाई करेंगे वो क्यूरी जो है वो टेम्पररी टेबल पे अप्लाई होगी, एक्सेसिबल होगी, यानी कि टेम्पररी टेबल एक्सेसिबल होगा, परमानेंट टेबल एक्सेसिबल नहीं होगा जब तक ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। ये सेशन में आप टेम्पररी टेबल को एक्सेस कर सकेंगे। जैसे कि अभी अब मैंने दोबारा जब सेलेक्ट टेम्पररी टेबल स्टूडेंट नाम का क्रिएट करके उसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट को अप्लाई किया, तो ये क्यूरी जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये मुझे वो टेम्पररी टेबल में से डाटा रिट्रीव करके शो कर रहा है, और जो हमारा परमानेंट टेबल है उसमें से ये रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव नहीं हो रहा। इसी तरह अगर आप शो टेबल्स की कमांड अप्लाई करें हम, तो यहाँ पे आपको टेबल जो है स्टूडेंट का नज़र आ रहा होगा, और ये स्टूडेंट का टेबल वो है जो कि परमानेंट टेबल है, टेम्पररी टेबल की नाम जो है वो लिस्ट के अंदर शो नहीं होगा। इसी तरह अगर सपोज़ जो हमने स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट किया था, तो इसको मैं एस करके एक और टेबल क्रिएट करता हूँ टेम्पररी, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया, इसका नाम चलें अंडरस्कोर टेम्प कर देते हैं, तो ये एक और टेबल मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ जी, क्रिएट, ये जी क्रिएट टेबल, और यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, और अब आप इंटर करें तो ये एक दूसरा टेबल क्रिएट हो गया टेम्पररी टेबल। अब भी अगर आप शो टेबल्स की कमांड अप्लाई करें तो आपको यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो है वो जो अब हमने रिसेंटली स्टूडेंट अंडरस्कोर टेम्प के नाम से टेबल क्रिएट किया वो शो नहीं कर रहा। इट्स मीन के शो टेबल की कमांड के अंदर टेम्पररी टेबल जो है दैट इज़ नॉट विजिबल, और अगर आपने टेम्पररी टेबल को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो अगर मैं इस सेशन को यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ तो तब भी ये टेबल जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप ड्रॉप टेम्पररी टेबल और आप उस टेबल का नाम डिफाइन कर सकते हैं और इंटर करें तो ये टेबल्स जो है वो डिलीट हो गया। वेरीफाई अगर आप करना चाहते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट कमांड अप्लाई करें, तो ये देखिएगा कि अब ये जो रिकॉर्ड रिट्रीव करके लेके आया है ये मेरे परमानेंट टेबल में से रिट्रीव हुए हैं, ये टेम्पररी टेबल में से रिट्रीव नहीं हुए, क्योंकि टेम्पररी टेबल को मैंने ड्रॉप कर दिया, डिलीट कर दिया है। तो ड्रॉप टेम्पररी टेबल और आगे टेबल का नाम, तो ये जो टेबल का नाम मैंने लिखा था ये जो स्पेसिफाई किया है, ये स्पेसिफाई इस टेबल का नाम जो है वो टेबल था जो मैंने अभी ऑलरेडी टेम्पररी टेबल क्रिएट किया था, टेम टेबल क्रिएट टेम टेबल टेम्पररी टेबल के कमांड के थ्रू। तो दैट इज़ डिलीटिंग द टेबल एक्सप्लिसिटी, यूज़र जो है एक्सप्लिसिटी इसको डिलीट कर सकता है टेम्पररी टेबल को। सो दैट इज़ अदर वे। तो अदरवाइज अगर हम यहाँ पे इस सेशन को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, दैट आल्सो जो है आपके जितने भी टेम्पररी टेबल इस सेशन के अंदर आपने क्रिएट किए होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने टेम्पररी टेबल को स्टडी किया कि टेम्पररी टेबल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, और उनको कैसे जो है क्रिएट एंड डिलीट किया जाता है। जैसा कि अभी हमने ये भी सिंटेक्स स्टडी किया था कि हम किसी दूसरे टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर टेम्पररी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ हमारे पास एक टेबल है स्टैटिक फ्रॉम बुक्स, इसको हम देखते हैं इसमें हमारे पास जो है कौन से रिकॉर्ड हैं, इसमें हमारे पास नहीं है। लेट्स सी कि हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कॉन्टैक्ट, जी ये हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का टेबल है जिसके अंदर हमारे पास ये रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, तीन फील्ड्स हैं और चार रिकॉर्ड्स हैं। अब हम एक टेम्पररी टेबल जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट टेम्पररी टेबल कमांड है, और टेबल का नाम आप डिफाइन करें यहाँ पे, ये हम करते हैं यहाँ पे कमांड टेस्ट डमी के नाम से हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, दैट इज़ नेम ऑफ टेम्पररी टेबल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कॉन्टैक्ट। मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट टेबल के स्ट्रक्चर पे ऊपर ये मेरा जो टेम्पररी टेबल है टेस्ट डमी के नाम से जो टेबल क्रिएट हो, तो उसमें ये कॉन्टैक्ट
टेबल जो है, परमानेंट जो टेबल है उसका तमाम डाटा और स्ट्रक्चर जो है वो ये टेम्प्रेरी टेबल के अंदर क्रिएट हो जाए। तो ये हमने कमांड अप्लाई की। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम, टेबल का नाम हमने रखा था टेस्ट अंडरस्कोर डमी, और आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे पास वही स्ट्रक्चर और वही रिकॉर्ड्स जो हैं वो टेम्पररी टेबल के अंदर भी अवेलेबल हैं। तो बेसिकली ये अब हमने जो कमांड इंप्लीमेंट की है इसमें हमने एक टेम्पररी टेबल क्रिएट किया, और वो टेम्पररी टेबल जो था वो बेस करता था किसी और परमानेंट टेबल के स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड के ऊपर, जो कि हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया। वो तमाम के तमाम स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड कॉन्टैक्ट टेबल के जो है वो कॉपी हो गए और एक टेम्पररी टेबल भी क्रिएट हो गया। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ टेबल, टेम्पररी टेबल विच इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एन अदर टेबल, परमानेंट टेबल।